हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पी मेक्स। तो ये एक मतलब ट्रीटमेंट का वीडियो है। सो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपने किंग कॉन्ग या नॉर्मल पैरेट के ऊपर से हम लोग जो है ब्लैक स्पॉट्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके बहुत सिंपल वेज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास एक स्पेयर टैंक या फिर एक सेपरेट सा हॉस्पिटल टैंक है, सो आप उसके अंदर अपने फिश को मतलब पहले मतलब शिफ्ट कीजिए। बिकॉज़ अगर आप एक कम्युनिटी टैंक में रख रहे हैं पैरट्स को, सो दूसरे फिशेस को भी मतलब वो ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई प्रिफर कि आप एक सेपरेट सा हॉस्पिटल टैंक में उसको निकाल के रखें, दैट्स बेटर। सो आप देख सकते हैं ये मेरा हॉस्पिटल टैंक है, इसके अंदर वो है, आप देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट्स है उसके ऊपर बहुत सारे। तो हम लोग अभी ट्रीट करेंगे उसको। हमको पहले पूरा फिल्टर और हीटर पूरा ऑन कर मतलब ऑफ़ करना पड़ेगा। एज यू कैन सी अभी हम लोग को जो है 30% वाटर निकालना पड़ेगा ये टैंक में से। ये जो है 42 लीटर्स का टैंक है, सो 30% निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक निकालेंगे हम लोग। As you can see, so let's start the process. यहाँ पर तो हम लोगों ने जो है वाटर फिल कर लिया है जितना था हम लोग का पहले, और अभी हम लोग अपने ट्रीटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने वाला हूँ पहले तो रॉक सॉल्ट, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर एक्वेरियम सॉल्ट है तो वो भी बेस्ट है, मतलब कंपेरिजन टू रॉक सॉल्ट दोनों भी इक्वल है। और ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी फिश जो है कलर फेड बहुत ज़्यादा ही कर दे रही है और ठीक से मतलब स्विम नहीं कर पा रहे, सो यू हैव टू यूज़ दिस। सो ये स्ट्रेस हील है जिससे आपकी फिश जो है स्ट्रेस में नहीं आती है ज़्यादा ट्रीटमेंट के टाइम पे। आप देख सकते हैं पर फिश इमरजेंसी एड भी लिखा हुआ है। सो ये ऑप्शनल है अगर आपकी फिश मतलब ज़्यादा स्ट्रेस में, तो तभी इसको यूज़ करें, तो बिना वजह के यूज़ ना करें, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम्स भी दे सकता है आपके पैरेट को। सो अभी हम लोग ओनली यूज़ करने वाले हैं ये 3 डेज के बाद हम लोग को फिर वाटर चेंज करके फिर सॉल्ट ऐड करना है। सो गाइस अभी आप लोगों को जो है अपने रॉक सॉल्ट को जो है मतलब 50 ग्राम्स के आसपास अपने टैंक में डालना है। आपको बताता हूँ कैसे, 1 मिनट, जस्ट ओपन दिस। सो आप देख सकते हैं हम लोग का रॉक सॉल्ट जो है खुल गया ऐसा है ये। सो हम लोग को थोड़ा अपने हाथ में लेना है लाइक दिस। सो अभी थोड़ा सा और भी लेना पड़ेगा हम लोग को एक साथ। आप देख सकते हैं इतना है अभी मेरे हाथ में रॉक सॉल्ट। सो ये इतना हम लोग को डालना है अपने टैंक में। अब देख सकते हैं चले गया ये अंदर, अरे थोड़ा सा कम है तो हम लोग थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा 1 मिनट। अगर हम लोग को इतना ऐड करना है थोड़ा सा और रॉक सॉल्ट, आप देख सकते हैं ये चले गया अंदर। सो अभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बिकॉज़ ये जो है मतलब फिशेस को इतना हार्म नहीं करता, लेकिन लो क्वांटिटी में डालना मतलब
उतना भी लोन है, लेकिन एक क्वांटिटी में डालना सही है, ना तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर ज़्यादा डालेंगे तो। आप देख सकते हैं इसको जो है यहाँ पर मुंह पे भी है और थोड़े सर पे भी है। सो अभी हम लोग अपना जो फिल्टर और हीटर है वो ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हीटर ऑन है यहाँ पर, एज यू कैन सी हीटर ऑन है। हीटर को आप लोगों को जो है 28 to 30 degrees तक रखना है, तो मैंने 30 पे रखा है फॉर बेस्ट, मैं वो जल्द से जल्द क्योर हो इसलिए। गाइस ये तो हम लोग का हो गया ट्रीटमेंट। अभी हम लोग को इसको खाना जो है कल सुबह लाइक आफ्टर 11 या 12 आवर्स के बाद इसको फूड देंगे हम लोग। अब देख सकते हैं अभी भी वो अंदर छुपा हुआ है बिकॉज ये थोड़ा सा मतलब डरे हुआ है। सो ये हम लोग का रॉक सॉल्ट का ट्रीटमेंट है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा हील में मतलब स्ट्रेस में है तो। ये पहले रख देते हैं हम लोग। गाइस हम लोग का रॉक सॉल्ट तो मतलब धीरे धीरे जो है डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। सो अब कल देखेंगे हम लोग इसको, कल फीड दे के देखेंगे। अगर ये खाएगी तो बेस्ट बात है बिकॉज हील हो रही है धीरे धीरे वो। सो फिर ये पूरा ब्लैक स्पॉट जाने के बाद ये हॉस्पिटल टैंक में हम लोग उसको अपने मेन मॉन्स्टर फिश टैंक में ऐड करेंगे। आई जस्ट शो यू द मॉन्स्टर फिश टैंक। ये हम लोग का मॉन्स्टर फिश टैंक है, एज यू कैन सी हम लोग की अरवाना भी बहुत बड़ी हो गई और ये उसका फीमेल है जो बहुत सही कर रहे हैं एज यू कैन सी। यहाँ पर हम लोगों का द अल्फा है अरवाना यहाँ पर एज यू कैन सी। अभी देखेंगे कल सुबह तक हम लोग को रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई होप सो मिल जाए फटाफट से ताकि हम लोग इसको वापस अपने पार्टनर के साथ डाल पाए इसको फटाफट से। और मॉन्स्टर फिश टैंक में आई कांट वेट दैट कि पूरे फिश मिलके खाएंगे। ये एक्चुअली खाना बंद कर दिया था इसने बीच में, लेकिन कल देखेंगे आप लोग देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो बिकॉज थोड़ा डार्क है। तो कल सुबह तक हम लोग को जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा पैरेट का। सो विल आई सी यू टुमारो। 6.5 hours late. And this is the next day and हम लोग का किंग कॉन्ग पैरेट जो है बहुत सही कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा देखेंगे तो इसके ऊपर से थोड़ा ब्लैक मार्क जो है निकल गया है एज यू कैन सी। और अभी मेरा एक पार्सल भी आया था अमेजोन से, जो ये फूड है हिकारी का और ये एक चीज़ है जो मैं अभी खोलने वाला हूँ। ये दोनों चीज़ें जो है मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से। सो ये एक एयर रिंग है छोटा सा जो हम लोग अपने टैंक में डालेंगे अरवाना के। एंड ये हिकारी का फूड है। आई डिडंट नो कि इतना छोटा आएगा ये, लेकिन अभी हम लोग ट्राई करेंगे अपने अरवान को फूड फीड करके। अगर वो पसंद आएगी उसको मतलब अगर ये फूड अच्छा लगा तो हम लोग 250 kgs का ऑर्डर करेंगे। 250 grams का, तो ये 57 ग्राम्स का पैकेट है। सो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट। ऐसे बहुत सेफली लाइक मतलब बबल रैप करके आया। सो आई डोंट नो कि ये स्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब डेलीकेट है या आई थिंक ये लोग की पैकिंग ऐसी है। सो देख सकते हैं लिटरली बहुत छोटा बिकॉज 57 ग्राम्स का पैकेट है। तो अगर पसंद आ तो हम मतलब बड़ा वाला ऑर्डर करेंगे। तो देख सकते ये हिकारे फूड स्टिक्स, तो हम लोग अभी फीड करेंगे अपने अरवाना को। ये टॉपिक में था हम लोग का, टॉपिक था अपने किंग कॉन्ग के ऊपर। सो हम लोग का किंग कॉन्ग भी बहुत सही कर रहा है एज यू कैन सी। उसका जो मार्क्स धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी हम लोग को लाइक डे आफ्टर टुमारो उसका वाटर चेंज करके फिर सॉल्ट ऐड करना है। तो आप देख सकते है वो भी यहाँ पर उसके मार्क्स थोड़े निकल गए हैं। एग्रेशन ऑफ दिस फिश, अगर मैं धीरे से अगर यहाँ पर अपना हाथ डालूंगा आई कैन सी गाइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ शिट। अब देख सकते हैं मैं अपना हाथ पूरा डाल रहा हूँ अंदर। अब देख सकते हैं ये, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है पहले से। दैट मीन्स शी इज गोइंग टू रिकवर प्रिटी सून। सो अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही डेंजर हो गई है पहले से। तो गाइस उतना प्रॉब्लम नहीं बिकॉज मैंने सुबह इसको फूड डाला था अपने किंग कॉन्ग को। सो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, फॉरगॉट टू मेक। सो उसका फूड मैंने डाल दिया, तो मैं उसको बस दिन में एक ही बार फूड दूंगा मतलब फीड करूँगा उसको। अभी कल भी हम लोग को करना है फीड। सो कल का मैं ज़रूर एक क्लिप ऐड करूँगा। अभी तो आपने देखा कि मेरे हाथ को वो मतलब कैसा मतलब फिंगर को मतलब कैसा मतलब काटने को आ रही थी। तो पैलेट का तो आप देख सकते हैं मतलब कैसा खाएगा वो। सो पहले हम लोग अपने मॉन्स्टर फिशेस को ये फीड करके देखते हैं, अगर वो खाएगा तो ठीक है, ना तो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। अगर अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ उसको,
लगता है कि ऐसे कुछ टाइप के पैलेट्स हैं, नॉट माइक्रो पैलेट्स, ये मीडियम पैलेट्स हैं। इसमें जंबो कार्न स्टिक्स भी आते हैं, लेकिन अभी मेरा अरवाना उसके लिए उतना मतलब केपेबल है नहीं, बिकॉज वो अभी भी एक छोटा सा मतलब एक छोटा है अभी भी वो। अगर वो अपने मैक्सिमम मतलब लेंथ पे पहुंच जाएगा तो हम लोग उसको फीड करेंगे वो ये, लेकिन अभी वो मतलब छोटा है, मतलब क्वार्टर साइज का है वो, तो ये हम लोग अभी फीड करेंगे उसको, अपने पैरट को भी, अपने किंगकॉन्ग को फीड करेंगे, जब वो खाएगा तो ठीक है ना, तो उसका नॉर्मल फूड ही डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने देखा क्लिप में कि उसको बहुत पसंद आया वो फूड, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम से भी यही ऑर्डर करेंगे, और अभी हम लोग जो अपने किंग कॉन्ग को सिर्फ एक या दो पैलेट ट्राई करेंगे जस्ट इन केस, बिकॉज उसको मतलब वैरायटी ऑफ फूड देना बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने फूड दिया उसमें उतना मतलब ग्रोथ और कलर उतना है नहीं। सो ये हम लोग अभी ट्राई करेंगे उसको, वो खाएगा कि नहीं खाएगा। आप लोगों ने देखा कि अपने मेल पैरेट को भी बहुत अच्छा लगा वो, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो अभी इसको हेल्प करेगा थोड़ा रिकवर होने में, मतलब ब्लैक स्पॉट डिजीज से फाइट करने में फूड देना बहुत कंपलसरी रहता है ये डिजीज़ में। सो इसका जो सेकेंड डे अपडेट है वो भी आज का फर्स्ट डे था, सो डे आफ्टर डे आफ्टर टुमारो हम लोग को वापस वाटर चेंज करके सॉल्ट ऐड करना है, फिर थोड़ा ठीक होने के बाद हम लोग उसको अपने मेन टैंक में ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। 6 and a half hours later.